नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एज एग्जाम में। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है बिम्स्टेक, यानी कि जो हमारे रिसेंटली 13 मई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके ओथ टेकिंग जो सेरेमनीज थी, तो उसमें बिम्स्टेक नेता हो जो लीडर है उनको ही क्यों बुलाया, सार्क लीडर्स को क्यों नहीं बुलाया, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बिम्स्टेक है वो क्या है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि जब 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो शपथ ग्रहण इवेंट हुई थी उसमें सभी बिम्स्टेक जो लीडर्स थे उन सबको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था, और साथ ही साथ जो किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उसको भी, एससीओ के जो चेयरमैनशिप अभी किर्गिस्तान के पास है इसलिए उनको भी बुलाया था, और साथ ही साथ जो मालदीव मॉरिशियस के जो लीडर है उनको भी, इंडियन ओशियन में मॉरिशियस की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से उनको भी वहां पर बुलाया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सार्क है वो बिम्स्टेक है, उसने सार्क की जगह क्यों ली है, और सार्क है वो कहां पर फेल हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बिम्स्टेक है उसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक है उसमें पहले आता है इंडिया, आता है नेपाल, आता है भूटान, आता है बांग्लादेश, आता है म्यांमार और थाईलैंड। और ये जो बिम्स्टेक है उसका जो पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो बिम्स्टेक है उसमें इतनी सारी जो मेंबर कंट्रीज है वो आती है। तो अब सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो जो बिम्स्टेक है वो क्या है, वो एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था उसी के तहत ये एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये जो सबसे पहले जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो तब उनके मेंबर है वो कौन कौन थे, उसमें बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सभी ने इसकी स्थापना की और उसको बिस्ट एक यानी कि इकोनॉमिक, ये जो चारों देशों के जो नाम है इनिशियल है उसके नाम पर, और आखिरी में ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो इनिशियल है उसके नाम पर उसको बिस्ट एक कहा जाता है। और उसके बाद उसको जब म्यांमार 1997 में इसका मेंबर बनाया तो उसके बाद उसको बिम्स इसी कहा गया। और इसके साथ ही आप देखें तो जो विथ एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान इन 2004 द नेम ऑफ ग्रुपिंग वॉज चेंज टू बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक। तो ये जो बिम्स्टेक है वो क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो अब बात करते हैं बिम्स्टेक है वो सार्क का स्थान क्यों लेना चाहता है, सार्क का एक तरह से कहे तो वो सार्क है उसका स्थान क्यों लेने में सक्षम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिम्स्टेक हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग साउथ एशियन कंट्रीज एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो साउथ ईस्ट एशियंस और साउथ एशियन जो भी नेशन है जो वहाँ की इकोनॉमी भी कुछ अच्छी है और वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो इन सबको बिम्स्टेक है वो अपने रीजनल जो भी मसले है उसको आपस में सुलझाने के लिए बिम्स्टेक है वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के तौर पर ये सब जैसे वो देखते हैं। वहीं आप देखें इट कनेक्ट द लिटोरल कंट्रीज, जो भी समुद्र जो भी सी बेस्ड जो भी कंट्री है वो हिमालयन इकोलॉजी है इसके साथ जुड़ने में बिम्स्टेक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो प्ले करता है। वहीं देखें तो वन ऑफ द रीजन फॉर बिम्स्टेक पॉपुलैरिटी इज दैट द मेंबर कंट्रीज हैव जनरली कोऑर्डिनेशन रिलेशन। वहीं आप सार्क के तुलना में इसकी बात करें तो बिम्स्टेक के सार्क भी जो भी मेंबर है चाहे वो भारत हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, ये सभी जो नेशंस है उसके आपस में काफ़ी हद तक अच्छे रिलेशन है यानी कि कोऑर्डिनेशन रिलेशन है। वहीं बिम्स्टेक की तुलना में सार्क के साथ हमारे जो रिश्ते देखे तो सबसे पहले आता है भारत और पाकिस्तान, और जो भारत और पाकिस्तान के उसके बीच काफ़ी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और साथ ही साथ जियोग्राफिकल भी काफ़ी मसले हैं। तो इसलिए सार्क है वो अभी एक तरह से कहे तो जो मरणोत्तर जो स्थिति होती है उसमें वो आ जाता है, क्योंकि आप देखें तो 2016 का जो उरी हमला हुआ था उसके बाद सार्क की कोई भी मीटिंग है वो नहीं हुई है। वहीं आप बिम्स्टेक है उसकी मीटिंग्स की बात करें तो वो कंटिन्यूसली वो जो बिम्स्टेक की मीटिंग है वो चलती आ रही है, तो इसलिए भी ये जो बिम्स्टेक है वो सार्क की जगह लेने में काफ़ी सक्षम है। वहीं एक ये भी रीज़न है कि जो बिम्स्टेक है उसके सारे मेंबर स्टेट हैं, सारे मेंबर नेशन जो भी राज्य है जो देश है उनके आपस में का कोई भी ऐसे गंभीर मसले नहीं है। वहीं देखें देर इज़ नो इश्यू रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड टेरिटरी अमंग द मेंबर स्टेट,
ये सभी मेंबर स्टेट है, उसके सिक्योरिटी के रिलेटेड भी कोई मसले नहीं है, वो टेरिटरी के रिलेटेड भी कोई ऐसे मसले, गंभीर मसले नहीं है जैसे कि सार्क में है। तो इसलिए भी आप देखें तो सार्क में अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो उसको काफ़ी ऐसे गंभीर मसले हैं जिसको सुलझाने में काफ़ी वक्त लग सकता है, और इसी का नतीजा है वो सार्क के जो कोऑर्डिनेट रिलेशन है उसमें उसके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए भी यह बिम्स्टेक है, उसके उसका एक अपर हैंड है यहाँ पर आ जाता है। तो अब बात करते हैं बिम्स्टेक है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करते हैं। तो क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजियन। तो ये जो सब जो भी सब रीजियन है उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जैसे ये रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो। वहीं एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, प्रोमोटिंग एक्टिव कोलाबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक्सेट्रा। तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव है वो जो बिम्स्टेक है उन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर अपनाया है। वहीं एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आती है, एनर्जी आती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आता है, टूरिज्म आता है, फिशरीज आती है, एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम्स और क्लाइमेट चेंज। तो ये सभी है वो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के रूप में बिम्स्टेक के सभी नेशंस ने अपनाए हैं। अब एक जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं सार्क और बिम्स्टेक के बीच में। तो सार्क है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया है उसको वहाँ पर फोकस करता है। वहीं बिम्स्टेक है वो इंटर रीजनल भी उसको कहा जाता है क्योंकि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को कनेक्ट करता है। और बिम्स्टेक इसलिए भी सार्क और जो आसियान नेशन है उसके बीच एक चेन के रूप में भी कार्य करता है। वहीं सार्क है इसकी स्थापना है वो 1985 में कई की गई थी और उसको एक प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर एरा के रूप में देखा जाता था। वहीं जो बिम्स्टेक है वो 1997 में पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कि जो शीत युद्ध है वो तकरीबन समाप्त हो गया था उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो ये इन दोनों की जो स्थापना है उसमें आप देखें तो जो सार्क है उसके पीछे रशिया या फिर USSR है उसका हाथ हो सकता है, उसको कोई भी कुछ लोग है कोई जो देश है वो कह सकता है कि इसके पीछे सार्क का, माफ कीजिएगा, अमेरिका का हाथ है या फिर USSR का। वहीं जो बिम्स्टेक है वो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हुई थी तो इसके पीछे इसकी स्थापना में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर USSR का। वहीं आप देखें तो ये सभी जो नेशन है वो मिस्ट्रस और सस्पिशन इनको कोई भी देश हो जो सार्क के मेंबर स्टेट है उसको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। जो आपने उरी का जो वाक्य देखा वो इसी का नतीजे के रूप में हम उसको देख सकते हैं। वहीं बिम्स्टेक है उसके मेंबर मेंटेन रीजनेबली फ्रेंडशिप रिलेशन। सार्क सफर्स फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स। वहीं बिम्स्टेक्स कोर ऑब्जेक्टिव इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमोंग कंट्रीज। एस्टमेटिक पावर बैलेंस, जो पावर बैलेंस है उसमें भी आप देखें तो सार्क नेशंस को ऐसा लगता है कि जो भारत है वो अपनी हेजिमनी का इस्तेमाल करके बिग ब्रदर, जिसे हम जो बिग ब्रदर सिंड्रोम भी जिसे कहते हैं कि जो भारत है उसके पास आर्मी भी बड़ी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और जियोग्राफी भी काफ़ी बहुत बड़ी है। तो इसलिए भी जो पावर बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। तो इसलिए भी सार्क है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। वही बिम्स्टेक की बात करें तो जो पावर बैलेंस है उसमें आप देखें तो थाईलैंड है उसको भी एक मेजर पावर के रूप में देखा जाता है। आपकी आप थाईलैंड की इकोनॉमी भी देखें और थाईलैंड की जो मिलिट्री भी देखें तो वो काफ़ी हद तक इंडिया की कंपेरिजन में मजबूत है। इसलिए भी जो थाईलैंड है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में भी उसको देखा जा सकता है। वहीं इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो तकरीबन 5% है। वहीं आप देखें तो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 6% के बीच में जो इंक्रीज है वो इंक्रीमेंट है वो पिछले दशक में हुआ है। अब बात करते हैं सार्क है वो फेल क्यों हुआ। तो सार्क के पहले पे हम बात करते हैं तो सार्क में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो ये सभी जो मेंबर है वो इसमें सार्क में इंक्लूड है। सार्क है वो पहली बार सार्क का विचार किसको आया था, वो आया था जनरल जियाउर रहमान जो कि एक बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर है हुआ करते थे। उन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके बाद वो बांग्लादेश के लीडर बने थे तो उन्होंने इसका जो पहली बार जो विचार है वो इनको आया था। वहीं आप देखें तो
Due to India's relation with USSR, SARC has been seen as USS tool to counter Soviet Union's influence in region. तो भारत के यूएसएसआर के अच्छे रिलेशन थे उस वक्त, तो उसलिए भी देखे तो सार्क है उसको अमेरिका के एक टूल के रूप में, मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सार्क है वो साउथ ईस्ट साउथ एशियन जो नेशन है वो सभी इसके मेंबर है, तो वहाँ पर यूएसएसआर और यूएसए कोई इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी। हालांकि यूएसएसआर का अपर हैंड था क्योंकि इंडिया के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो इसलिए भी अब देख तो इसको यूएसए के एक टूल के रूप में भी उसको देखा जाता है। वहीं आप देखें द फर्स्ट सार्क मीटिंग टू प्लेस इन ढाका इन 1985, उसके बाद देखें तो 18 समिट है वो हुई है, 18 समिट है वो उसके बाद हुई है। वहीं आप देखें तो 30 ईयर जो 13 ईयर की इसकी जो हिस्ट्री है उसमें जो सभी एनुअल सार्क जो समिट्स होनी है तो उसमें 11 बार तो उसको जो पॉलिटिकल रीजन और दूसरे बायलेटरल और इंटरनल रिजल्ट की रीजन्स की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है, तो इसलिए भी इसकी ज़्यादा इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा नहीं है। वहीं आप ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो सार्क है इज एम एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एक्सेलरेट थ्रू द एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, तो ये सभी है वो इसके ऑब्जेक्टिव है। वहीं आप दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सीक टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज। अदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड कोऑपरेटिंग विद इंटरनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पजेस, तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या सच में सफल हुए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देखें तो सार्क है वो इस सभी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में काफ़ी फेल दिखता आ रहा है, उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूमरस एग्रीमेंट हैव बीन साइंड एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश अंडर द सार्क बट दे हैव नॉट बीन एन एडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड, तो ये जो सभी ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको एस्टैब्लिश किया गया है, लेकिन उसमें किसी को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया। सार्क का एकमात्र ऐसा हम अचीवमेंट कह सकते हैं वो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कहे तो साफ्टा, जो साफ्टा है वो उसको एक प्रोमिनेंट आउटकम के रूप में भी देखते हैं लेकिन उसको भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया है। वही इन द मेनी फेलियर्स ऑफ सार्क लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स कंट्रीज हैज बीन मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो सार्क नेशंस है उसका फेल होने का सबसे एक प्रमुख जो कारण है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है उसको भी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों देश है वो हम जो पाकिस्तान है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा जब जब हमने ट्रस्ट दिखाया उसकी उतनी बार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसने इंडिया के ऊपर कोई ना कोई ऐसा अटैक किया है, इसलिए भी जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। वहीं सार्क हैज ऑल्सो फेस्ड ऑब्स्टेकल इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो बिम्स्टेक की तुलना में देखे तो यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे ऑब्स्टेकल है वो देखने को मिलते हैं। वहीं सार्क मेंबर स्टेट के जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की कि सार्क के अदर मेंबर्स और इंडिया उसकी बात करें तो जो जियोग्राफी और जो इकोनॉमी और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है और उसका जो ग्लोबल अरिना में जो इन्फ्लुएंस है उस इनकी तुलना करें तो सार्क के बाकी मेंबर स्टेट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं, इसलिए भी आप देखें तो इंडिया है उसको एक बिग ब्रदर के रूप में सब देखते हैं जो कि अपनी हेजिमनी चलाता है, ये सभी एक मिस्ट्रस्ट के रूप में उसको देखा जाता है, तो इसलिए भी सार्क है वो कहीं ना कहीं अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में फेल हुआ है। वहीं बिम्स्टेक है वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ता जाता दिख रहा है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर, ये जो बिम्स्टेक है उसके ऊपर थोड़े मैंने चर्चा की क्योंकि सार्क क्यों फेल हुआ और बिम्स्टेक है वो आने वाले समय में उसका सार्क के अल्टरनेटिव के रूप में जो ये पोटेंशियल है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।